अच्छा सुनिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्टडी रिलेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। इस वीडियो में देखेंगे ऐतिहासिक स्थल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो पार्ट टू एग्जाम में 2 नंबर का पूछा ही जाता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कुतुब मीनार स्थित है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि आपको पता है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थल स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत का पर्वतीय शहरगाह उद्गम मंडलम या ऊटी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो स्थित है, खजुराहो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दार्जिलिंग स्थित है, दार्जिलिंग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा स्थित है, प्रसिद्ध छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में। कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग एवं सोनमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ है, एतामुद्दौला का मकबरा कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदरा में। सिकंदरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है, जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लद्दाख किस राज्य में है, लद्दाख किस राज्य में है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है राजगीर किस राज्य में है, राजगीर किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा किस राज्य में है, गोलकुंडा किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपिल वस्तु कहाँ स्थित है, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैरीना बीच कहाँ स्थित है, मैरीना बीच कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई। चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।